नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DKP क्लासेस में। दोस्तों, इससे जो पिछली जो मैथ की वीडियो थी, जो मैथ का लेक्चर था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल सेट्स को, जिसके अंदर हमने डिस्कस किए थे कुछ जो हमारे फंडामेंटल सेट्स थे, जिनमें सबसे पहले डिस्कस किया था नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएँ, इसके बाद होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएँ, इसके बाद इंटीजर्स, पूर्णांक, इसके बाद रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, इसके बाद रैशनल नंबर्स, प्रिमेय संख्याएं, इरैशनल नंबर्स, अप्रिमेय संख्याएं, और लास्ट में सबसे बाद में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर भी जिसको हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज की जो हमारी वीडियो है, हम जब फंडामेंटल सेट्स का जो कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इवन नंबर्स सम संख्याएं, ऑड नंबर्स विषम संख्याएं, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स मतलब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। और जो ये नंबर्स हैं, इनको हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर, फिर इसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स के अंदर, और इसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर। इन तीन सेट के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो तीन सेट है इनके अंदर डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, ठीक है, तो इसलिए हम इन तीन सेट्स के अंदर इन नंबर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो सेट है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको जिसके अंदर हम इन नंबर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इनको डिस्कस करने से पहले जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, जो पूर्णांकों का जो कलेक्शन है, जो गुच्छ है, उसको हम लिख लेते हैं। मतलब जो सेट जेड है वो होगा इस प्रकार से, इस तरह इनफाइनाइट से आएंगे, -3, -2, -1, देन 0, देन 1, 2, 3, और इस तरह पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, जो ये ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, धनु कोष्टक, ये इस्तेमाल की जाती है सेट के लिए, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, इन नंबर्स का क्या बनाया, एक सेट, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जेड से, क्योंकि ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इस सबसे पहले इस सेट के अंदर हम डिस्कस करते हैं इन चारों नंबर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले जो इवन नंबर्स, ठीक है, जो इवन नंबर, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इवन नंबर की जो डेफिनेशन वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ, वो डेफिनेशन हम कहती अ नंबर ऑफ द फॉर्म 2q वेयर q इज एन इंटीजर इज एन इवन नंबर। मतलब डेफिनेशन में कहती है अ नंबर, एक ऐसी संख्या इज ऑफ द फॉर्म, जिसका रूप कैसा है, 2q, इस रूप की है वो, वेयर, जहां क्यू इज एन इंटीजर, जहां पर जो क्यू होगा उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो मान होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। मतलब जो क्यू की वैल्यू होगी वो इनमें से हम रख सकते हैं, उसके बाद जो हम नंबर कैलकुलेट करेंगे वो नंबर कैसा होगा, इवन नंबर। ये है इवन नंबर की परिभाषा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जो इस फॉर्म से पैदा होते हैं, इस फॉर्म से बनते हैं, वो नंबर होते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। तो हम इवन नंबर्स को बनाते हैं क्यू के मान को रख करके, मतलब जो क्यू की जो वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, उसको इस सेट से रखते हैं और जो नंबर आते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यू की वैल्यू रखेंगे, देन नेगेटिव में, और सबसे लास्ट में 0 रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्यू की वैल्यू रखते हैं 1, तो ये होगा 2 × 1, जो कि हमें मिलेगा 2। तो फ्रेंड्स, ये 2 क्या होगा, इवन नंबर, क्योंकि इस फॉर्म से पैदा हुआ है। इसे नेक्स्ट क्यू की वैल्यू रखते हैं 2, ये होगा 4, इसे जो नेक्स्ट इवन नंबर है वो होगा 4। नेक्स्ट क्यू की वैल्यू है 3, इससे होगा 6। नेक्स्ट क्यू की वैल्यू आएगी 4, इससे मिलेगा हमें 8, और इस तरह ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पैटर्न चलता जाएगा। तो अब हम क्यू की नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं, तो 2 × -1 ये हमें देगा -2, 2 × -2 ये हमें देगा -4, और इसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में जो ये नंबर थे इनके अपोजिट आएंगे, मतलब नेगेटिव साइन वाले जो नंबर हैं वो आते रहेंगे,
जैसे जैसे हम क्यू की वैल्यू आगे इस डायरेक्शन में रखते हैं -6, और इस तरह ये पैटर्न आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने क्यू की पॉजिटिव वैल्यू पुट की है नेगेटिव, और अब लास्ट में पुट करते हैं 0। तो 2 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू मैंने रखी है 0, तो आंसर मिलेगा हमें 0, क्योंकि किसी नंबर की फाइनाइट नंबर के लिए मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं तो हमें मिलेगा 0। तो फ्रेंड्स जो ये नंबर हैं, जो ये नंबर जो निकल के आए, जो इस फॉर्म से पैदा हुए हैं, बने हैं, वो नंबर्स हैं इवन नंबर्स। तो हम इन नंबर्स का सेट बनाते हैं, ठीक है, तो वो होगा हमारा सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, वो सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। और ये सेट हमारा बना नेगेटिव डायरेक्शन से -8 -6 -4 -2 0 2 4 6, और इस तरह ये पैटर्न आगे बढ़ता चला जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए। तो जो ये सेट है, इन नंबर्स की जो कलेक्शन है, जो गुच्छा है, वो होगा सेट ऑफ इवन नंबर्स, सम संख्याओं का गुच्छा, मतलब कलेक्शन सेट होगा। कब? जब हमने कंसिडर किया है, जब हम सोच के चले हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को, ठीक है, मतलब इनमें से हम जब इवन नंबर चुनते हैं, ठीक है, वो होंगे इस तरह, ठीक है, जब हम सेलेक्ट करते हैं इस सेट में से इवन नंबर, वो होंगे इस फॉर्म के, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम इवन नंबर्स की एक और आसान सी परिभाषा बना सकते हैं, ठीक है। हम यदि ऑब्जर्व करें, जो ये नंबर्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, ये हर नंबर, जितने भी नंबर हैं, हर नंबर 2 के पहाड़े में आता है, मतलब 2 के टेबल में आता है। तो हम इवन नंबर की एक और डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि वो संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती है, 2 के टेबल में आते हैं, वो नंबर्स, वो संख्याएं कैसे होंगी? इवन नंबर सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसे जो नेक्स्ट है ऑड नंबर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो ऑड नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब वो डेफिनेशन में क्या कहती है कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म 2q+1 वेयर q इज एन इंटीजर इज एन ऑड नंबर, मतलब वो संख्याएं जो किस फॉर्म की होती हैं, 2q+1 वेयर q इज एन इंटीजर, मतलब फिर से q की जो वैल्यू होगी वो इन नंबर्स के अंदर से रखते हैं, और रखने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा कैलकुलेशन करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद, तो वो नंबर कैसा होगा? ओड नंबर, विषम संख्या होगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इस फॉर्म से जो नंबर पैदा होते हैं, जो नंबर बनते हैं, वो होंगे ओड नंबर्स, ठीक है। तो हम क्यू की वैल्यू पुट करते हैं इसी तरह। तो सबसे पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 रखते हैं, 2 × 1 + 1, तो यहाँ पर लगेगा बोर्ड मास्कर रूल, जो कि कहता है मल्टीप्लिकेशन पहले होगी एज कंपेयर टू एडिशन, ठीक है, प्लस के तुलना में। तो 2 × 1 करेंगे तो मिलेगा 2 + 1, तो हमें आंसर मिलेगा 3। नेक्स्ट क्यू की वैल्यू है 2 + 1, ये हमें देगा 4, और ये होगा +1 जो कि मिलेगा 5, 2 × 3 + 1 ये हमें देगा 6, +1 7, और इस तरह पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पैटर्न बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्यू की नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं, तो 2 × -1 + 1 ये हमें देगा -2, उसके बाद +1, और सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा -1, 2 × -2 + 1 ये हमें देगा -4 + 1, और हमें मिलेगा -3, इसके बाद नेक्स्ट क्यू की वैल्यू रखते हैं -3 + 1 ये हमें देगा -6 + 1, और फाइनली हमें मिलेगा -5, और इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ये पैटर्न चलता जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब हम क्यू की पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, प्लस के जब हम वैल्यू रख रहे हैं, मान रख रहे हैं इस फॉर्म के अंदर, तो जो नंबर पैदा हो रहे हैं वो है इस तरह के, जो इस तरह का रूप है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू पुट की है तो इस तरह के नंबर मिले। अब जो एक वैल्यू और रहती है क्यू की, वो है 0, तो उसको हम रखते रहें तो हमें मिलता है, तो 2 × 0 = 0 + 1, फाइनली हमें मिलेगा 1, ठीक है। इस नंबर को हम पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर लिखते हैं या, ठीक है। तो मतलब जो हमें नंबर्स मिले हैं वो है 1, 3, 5, 7 इस तरह से, और नेगेटिव में इन्हीं के अपोजिट यदि हम देखें तो इन्हीं के क्या हैं, अपोजिट, इन्हीं के माइनस साइंस वाले जो नंबर है वो मिले हैं, ठीक है।
तो हम अब इन नंबर्स का एक सेट बनाते हैं, और वो होगा सेट ऑफ ऑड नंबर्स व्हेन वी आर कंसिडरिंग सेट ऑफ इंटीजर्स। जब हम इंटीजर्स का जो सेट है उसको सोच रहे हैं, तो उस केस में जो सेट ऑफ ऑड नंबर्स होगा वो होगा कुछ इस तरह का, सेट ऑफ ऑड नंबर्स नेगेटिव डायरेक्शन से, -5, -3, देन -1, देन पॉजिटिव में 1, 3, 5, 7, और इस तरह ये आगे बढ़ता चला जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो ये सेट है, ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब अब हमने इनके अंदर से कौन से नंबर छांटे हैं ऑड नंबर्स, और वो होंगे इस फॉर्म के, इस रूप के होंगे। ठीक है, इसे जो नेक्स्ट सेट है, तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। और आप प्राइम नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वो डेफिनेशन में क्या कहती है कि अ नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू पॉजिटिव डिवाइजर्स इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। मतलब डेफिनेशन में क्या कहती है, वो संख्याएं जिनके पास केवल और केवल दो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, दो धनात्मक भाजक पूर्व जो उनको पूर्णतया भाग दे सकते हैं, यदि उनकी काउंटिंग करें, गिनती करें, और वो हमें मिलते हैं दो, तो वो नंबर्स कैसे होंगे, प्राइम नंबर्स। ठीक है, या हम इसके अलावा कह सकते हैं वो नंबर्स जिसके पास केवल और केवल दो पॉजिटिव जो धनात्मक जो गुणनखंड है, फैक्टर है, तो वो नंबर कैसे होंगे, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं नंबर वन को। यदि हम देखें नंबर वन, ठीक है, तो नंबर वन के जो पॉजिटिव डिवाइजर हैं, या फिर जो इसके जो पॉजिटिव फैक्टर हैं, वो हैं ओनली वन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो नंबर वन है उसके पास सिर्फ एक पॉजिटिव फैक्टर है, एक पॉजिटिव डिवाइजर है, तो इसका मतलब नंबर वन है वो एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये क्या है, नॉट प्राइम, क्योंकि इसके पास एग्जैक्टली सिर्फ केवल और केवल दो डिवाइजर होने चाहिए थे। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नंबर टू के ऊपर। नंबर टू के यदि फैक्टर लिखे पॉजिटिव फैक्टर तो होंगे 1, then 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पास नेगेटिव फैक्टर भी है जब हम सेट ऑफ इंटीजर्स को ले रहे हैं, और वो है -1 और -2, मतलब इन्हीं के अपोजिट। लेकिन जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमें कहती है, हमें देखना है पॉजिटिव डिवाइजर्स को। ठीक है, तो इसलिए जो ये नेगेटिव डिवाइजर है इनको हम छोड़ रहे हैं, इनको हम नहीं देख रहे। तो इसके जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं या पॉजिटिव फैक्टर हैं वो हैं +1 एंड +2, और ये कितने हैं, दो। तो मतलब टू क्या होगा, एक प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर। थ्री, यदि हम थ्री को चेक करें, थ्री के पास जो डिवाइजर हैं वो ये दो डिवाइजर हैं, तो थ्री भी क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर। ठीक है, फोर, फोर के डिवाइजर हैं 1, इसके बाद होगा 2, इसके बाद 4। फोर के जो प्राइम जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, पॉजिटिव जो फैक्टर है, वो कितने हैं, 1, 2, 3, जो कि 2 से ज़्यादा है, एग्जैक्टली 2 नहीं है। इसके मतलब जो नंबर 4 है वो क्या होगा, एक प्राइम नंबर नहीं होगा, नॉट प्राइम, ये क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं जीरो को, नंबर जीरो। यदि हम बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर, तो फ्रेंड्स जो नंबर जीरो है इसके भी हम पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात करें, तो नंबर वन इसको डिवाइड कर सकता है, नंबर टू इसको डिवाइड कर सकता है, नंबर थ्री भी इसको डिवाइड करेगा, नंबर फोर भी, और इस तरह जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो क्या है, जीरो को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लिखें 0 डिवाइड बाई 4, तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, मतलब जो क्यूसेंट है वो हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, और इस केस में रिमाइंडर भी हमें क्या मिलेगा, जीरो। तो कंप्लीट डिवाइड किया है, तो मतलब जीरो का जो फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर, वो क्या, 4 है। इस तरह इस फॉर्म से जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो क्या है, जीरो के फैक्टर होंगे। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो जीरो क्या होगा, नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है, एक प्राइम संख्या नहीं होगा। तो जो नंबर पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव केस में प्राइम है, वो नंबर नेगेटिव में प्राइम होंगे। ठीक है, क्योंकि जो जैसे हम बात करें -2 की, तो इसके पास जो पॉजिटिव डिवाइजर होंगे वो कौन होंगे, 1 और 2 ही होंगे। -3 की बात करें, तो इसके पास पॉजिटिव डिवाइजर होंगे +1 +3, तो इसके पास भी 2 ही होंगे,
तो इसका मतलब जो है माइनस टू और माइनस थ्री ये भी अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब हम इनका एक सेट बनाते हैं, वो होगा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और ये होगा इस तरह नेगेटिव डायरेक्शन से आएंगे, माइनस सेवन, उसके बाद माइनस फाइव, देन माइनस थ्री, माइनस टू, जीरो नहीं होगा, वन नहीं है, टू होगा, थ्री, फाइव, सेवन, एट नहीं होगा, नाइन भी नहीं होगा, नाइन के पास ज़्यादा डिवाइजन होंगे दो से, टेन, इलेवन होगा, थर्टीन होगा, और इस तरह पॉजिटिव डायरेक्शन में ये चला जाएगा। ठीक है, तो जो ये सेट है ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जो इसके बाद जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर। तो फ्रेंड्स, जो कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वो डेफिनेशन हमें क्या कहती है, अ नंबर विच हैव मोर देन टू पॉजिटिव डिवाइजर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। मतलब वो संख्याएं जिनके पास दो से ज़्यादा धनात्मक पॉजिटिव गुणनखंड हैं, फैक्टर हैं, भाजक हैं, जिसको पूर्णतः भाग दे सकते हैं, पूरा पूरा भाग कर सकते हैं, तो वो नंबर क्या होंगे, भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, हम यहाँ से कह सकते हैं जो प्राइम जितने प्राइम नंबर हैं वो कंपोजिट नहीं होते, क्योंकि ये क्या है, इनकी नेगेशन, जो कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर की एक नेगेशन है। ठीक है, इसका अपोजिट है, इसके पास सिर्फ दो डिवाइजर्स होते हैं इन नंबरों के पास, और कंपोजिट के पास दो से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर होंगे ये कंपोजिट नहीं होंगे, तो हम इनको तो डिस्कस नहीं करेंगे, इनसे अलावा जो बचते हैं उनको लिखते हैं, जैसे जीरो, नंबर जीरो। ठीक है, तो जीरो के हमने डिस्कस किया था, जीरो के हर नंबर, जितने भी ये नंबर हैं, ठीक है, हर फाइनाइट नंबर जीरो को डिवाइड कर सकता है इसके पास, इसका मतलब जो जीरो है उसके पास दो से ज़्यादा डिवाइजर हैं, तो इसलिए जीरो क्या हुआ, कंपोजिट नंबर, जीरो इज ए कंपोजिट नंबर। इसके बाद वन इस लिस्ट में नहीं है, प्राइम नहीं है, तो डिस्कस करते हैं उसको। वन हमने देखा था, वन के पास सिर्फ एक ही पॉजिटिव फैक्टर होता है और वो है वन, तो सिर्फ इसके पास एक ही पॉजिटिव फैक्टर है, एक ही डिवाइजर है, तो ये नंबर कंपोजिट नहीं होगा, क्योंकि इसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो नॉट कंपोजिट। तो फ्रेंड एक इम्पोर्टेंट बात है कि वन न ही तो प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि इन दोनों की डेफिनेशंस को जो नंबर वन है वो होल्ड नहीं करता है, इन दोनों की जो डेफिनेशन उसको ये ट्रू नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए वन न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, टू को नहीं करेंगे, थ्री को भी नहीं करेंगे, फोर, फोर के लिए हम डिवाइजर काउंट करें, पॉजिटिव डिवाइजर वो हैं तीन, जो कि दो से ज़्यादा है और यही होना चाहिए था कंपोजिट नंबर के लिए, तो फोर क्या है, एक है इज कंपोजिट, ये क्या एक है कंपोजिट नंबर है। फाइव नहीं होगा, सिक्स, यदि हम सिक्स के डिवाइजर लिखें तो वन टू थ्री एंड सिक्स, एक दो तीन चार, चार डिवाइजर्स हैं, इसका मतलब जो नंबर सिक्स है वो भी क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या होगी। तो फ्रेंड्स इससे आगे जब नंबर बढ़ते जाएंगे, इनको छोड़ेंगे और इनसे जो नेक्स्ट नंबर होंगे, जैसे सेवन से नेक्स्ट होगा एट, वो भी क्या होगा कंपोजिट, नाइन कंपोजिट, टेन कंपोजिट, इलेवन नहीं है तो उसके बाद जो ट्वेल्व वो भी क्या होगा कंपोजिट। ठीक है, और जो ये नंबर हैं इनके जो अपोजिट है, जो माइनस साइंस वाले हैं, वो नंबर भी क्या होंगे कंपोजिट होंगे, उनके पास भी दो से ज़्यादा डिवाइजर होंगे, ठीक है, गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ, जो सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स है वो होगा हमारा कुछ इस तरह से, इस तरह नेगेटिव डायरेक्शन से आएंगे, माइनस टेन, माइनस नाइन, माइनस एट, माइनस सिक्स, माइनस फोर, माइनस थ्री नहीं होगा, टू नहीं होगा, माइनस वन भी नहीं है, ज़ीरो, देन इसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे फोर, सिक्स, एट और नाइन, टेन और इस तरह से। ठीक है, तो जो ये सेट है, जो ये कलेक्शन है, ये सेट ऑफ कंपोजिट नंबर जो हमने छांटे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर। ठीक है, जितने भी सेट हैं ये अपने आप में क्या है, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसका एक टुकड़ा है, सेट ऑफ इवन नंबर्स भी, क्योंकि हमने जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इन्हीं के अंदर से ही छांटे हैं, इसी तरह ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, ये सभी के सभी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स के पार्ट हैं, टुकड़े हैं। ठीक,
या हम कह सकते हैं सबसेट है। ओके, अब हम कंसीडर करते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स को, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर्स हम उसको लिख लेते हैं W, वो हमारा जो कि जीरो से स्टार्ट होता है, उसके बाद 1, 2, 3, मतलब जो हम ये नंबर है, ये नंबरों को यदि एलिमिनेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हटा देते हैं इस सेट में से, तो जो सेट बचता है वो होगा सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। पूर्ण संख्याओं का गुच्छा, ये नंबर्स क्या है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण नंबर। तो इस सेट के अंदर डिस्कस करते हैं इन नंबर्स को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जो ये सेट हमने यहाँ पर बनाए हैं, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो इनकी जो डेफिनेशन थी उनके अनुसार बनाए हैं, ठीक है। तो इस सेट के अंदर डिस्कस करने के लिए, ठीक है, डेफिनेशन हमें यही कहेगी कि यही नंबर हमें मिलेंगे, ठीक है, यही सेट हमें मिलेंगे। बस अब रेस्ट्रिक्शन क्या होगी, हमें इन नंबर्स में से कौन से नंबर लेने हैं, होल नंबर्स, क्योंकि अब हम कंसिडर कर रहे हैं होल नंबर्स को, पूर्ण संख्याओं को हम ले रहे हैं। तो जो पहले जो सेट होगा वो होगा सेट ऑफ इवन नंबर्स, और वो होगा हमारा कुछ इस तरह से। नेगेटिव जितने भी नंबर ये हम नहीं ले सकते क्योंकि होल नंबर्स नहीं है। उसके बाद तो हम पॉजिटिव से लेते हैं, मतलब जीरो भी देखते हैं, जीरो जीरो इज होल नंबर, यस, देन पॉजिटिव तो होंगे ही, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, और इस तरह। जो ये सेट है ये वो सेट ऑफ इवन नंबर, कब, जब हमने सोचा है, कंसिडर किया सेट ऑफ होल नंबर्स को, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव 1, 1, 1 इज होल नंबर, उसके बाद पॉजिटिव तो होंगे ही होंगे, तो उसके बाद हमें मिलेगा 1, 3, 5, 7, और इस तरह ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर चले जाएंगे। तो ये होगा सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। अब हम लिखते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर को और सेट ऑफ कंपोजिट नंबर को इन द केस ऑफ सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, पूर्ण संख्याओं के केस में। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये होगा, नेगेटिव नहीं लेंगे तो 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, और इस तरह आगे। तो जो ये सेट है ये होगा सेट ऑफ प्राइम नंबर इन द केस ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं के केस के अंदर, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, और वो होगा नेगेटिव नहीं लेंगे तो 0, 0 से होगा 0, 4, 6, 8, 9, 10, और इस तरह से, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जो ये सेट हुआ है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर इन द केस ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हम बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर, और हमें वो कहता कि सबसे छोटा इवन नंबर, सबसे छोटी जो सम संख्या है वो बताओ, तो उस केस में हम देख सकते थे कि जो इवन नंबर्स का जो सेट था वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा था और पॉजिटिव में। तो उस केस में हम कह सकते हैं जो सबसे छोटा इवन नंबर या सबसे बड़ा इवन नंबर हम नहीं बता सकते। ओड नंबर के केस में भी यही रीजन होगा, प्राइम नंबर के केस में भी यही, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, और कंपोजिट के केस में भी यही रीजन हम दे सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स की, ठीक है, उस केस में जो सेट ऑफ इवन नंबर है वो है ये, और इस सेट के अंदर हम जो छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा, उसको ढूंढ सकते हैं, जो कि क्या है, 0। सेट ऑफ ऑड नंबर के केस में है सबसे छोटा ऑड नंबर 1, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के केस में सबसे छोटा है 2, और सेट ऑफ कंपोजिट नंबर के केस में सेट 0, 0 एलिमेंट, ठीक है। तो मतलब यदि हम होल नंबर को डिस्कस करते हैं तो हम सबसे छोटा इवन 0, सबसे छोटा ऑड 1, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 0 फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर, ठीक है, इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नेचुरल नंबर को, जिसकी फॉर्म होती है कुछ इस तरह की, और इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस सेट के अंदर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, इन्हीं को। तो सबसे पहले इवन नंबर को, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो
सेट ऑफ इवन नंबर्स इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर, वो होगा। मतलब अब हमें लेने हैं नेचुरल नंबर्स के अंदर से छांटने हैं, ठीक है, सेलेक्ट करने हैं इवन नंबर्स को। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने सेलेक्ट किए थे, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन लगा के सेट ऑफ होल नंबर्स के अंदर ये मिले थे इवन नंबर। अब इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या लगेगी, अब इनमें से हम सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से इवन नंबर्स है। तो उस केस में जो सेट होगा वो होगा सेट ऑफ इवन नंबर्स नेचुरल नंबर के अंदर। मतलब कंडीशन क्या है, अब हमें नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग इनमें से सिलेक्शन करना है। तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, टू तो टू से स्टार्ट होंगे, उसके बाद फोर सिक्स एट, और ये होगा सेट ऑफ इवन नंबर्स इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसे जो नेक्स्ट होगा सेट ऑफ ऑड नंबर्स वो होगा वन, वन नेचुरल नंबर है तो ये सेट, तो एज इट इज ऐसे का ऐसा हम यहाँ पर लिखेंगे सेवन, और इस तरह पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। इसी तो नेक्स्ट जो सेट होगा वो होगा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो कि होगा हमारा, प्राइम नंबर हमने सेलेक्ट किए थे ये है टू, नेचुरल नंबर है थ्री नेचुरल नंबर, तो ये सेट भी हमारा एज इट इज ऐसे का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेट है वो सेट ऑफ कंपोजिट, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, ठीक है, सेट ऑफ कंपोजिट, जीरो जीरो कंपोजिट नंबर नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा, फोर से स्टार्ट होंगे और आगे इसी तरह नाइन और इस तरह आगे बढ़ता चला जाएगा, तो ये होगा सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। तो ये जो सेट है ये है, हमने डिस्कस किया है जब हम कंसीडर कर रहे हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं, जो सबसे छोटा इवन नंबर होगा दो इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स होगा वन, सेट ऑफ प्राइम नंबर होगा टू, और सेट ऑफ कंपोजिट नंबर होगा फोर, ठीक। तो यदि अब हमसे यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा इवन नंबर बताओ, तो हम इसका जवाब देने से पहले हम उससे पूछेंगे कि हम किस सेट के अंदर हमें इसका आंसर देना है, कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर बताना है, सेट ऑफ होल नंबर्स के अंदर बताना है, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर बताना है, ठीक है। तो उससे हम सेट पूछने के बाद ही अपना आंसर सही देंगे, ठीक है, क्योंकि जो सबसे छोटा इवन नंबर ऑड नंबर या प्राइम कंपोजिट ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी सेट्स, जो ये सेट है इनके अनुसार इंटीजर्स के अंदर कुछ और हो सकते हैं, होल नंबर्स के कुछ और हो सकते हैं, और नेचुरल नंबर्स के अंदर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि इवन नंबर्स ऑड नंबर्स कंपोजिट नंबर्स और जो प्राइम नंबर्स हैं उनके डेफिनेशन को, और हम उनको किस तरह बना सकते हैं, अलग अलग सेट के अंदर किस तरह डिस्कस कर सकते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि हम सबसे छोटे जो ये नंबर्स हैं ये अकॉर्डिंग टू सेट इन सेट्स के अनुसार किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है, वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।